हेलो जैन स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। टुडे वी विल सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम योर प्रैक्टिस बुक। ओके बेटा, चैप्टर 12 टाइम एंड कैलेंडर। योर कोर्स बुक चैप्टर 12 हैज कंप्लीटेड एंड टुडे वी विल सॉल्व द प्रैक्टिस बुक। ओके, चैप्टर 12। सो लेट्स कम टू आवर टॉपिक। माय टर्न वन। ओके बेटा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक? टिक द करेक्ट आंसर। How long it will take? Okay. Take the correct answer. Correct answer. Okay, beta. How long it will take? Take the correct answer. टीचर टेकिंग रोल कॉल मीन्स रोल नंबर, कॉलिंग कर रहे हैं टीचर। तो इसमें बेटा देखो, ये है पहला है टीचर टेकिंग रोल कॉल, इट मीन्स अटेंडेंस। टीचर टेकिंग रोल कॉल, अटेंडेंस ले रहे हैं टीचर। तो मोर टाइम लगेगा या लेस टाइम? इसमें क्या करना है, मोर टाइम दिया है, मोर टाइम ठीक है और लेस टाइम ठीक है। अटेंडेंस लेने में कितना समय लगता है, ज्यादा समय लगता है, कम समय लगता है? इसमें अटेंडेंस लेने में लेस टाइम का ही यूज होगा, ज्यादा समय तो लगेगा नहीं। टू वॉच ए क्रिकेट मैच, नेक्स्ट टाइम टू वॉच ए क्रिकेट मैच मोर टाइम ये तो सभी जानते हैं, और लेस टाइम क्रिकेट मैच बैठ जाओगे देखने तो आप लोग कहोगे रही रुको बैटिंग कर रहा है विराट कोहली, और देख लेते हैं तो जाते हैं, कितना समय लगता है तो पता ही है। 2020 होगा तो भी समय लगेगा, और वनडे होगा तो भी समय लगेगा, टेस्ट होगा तो 5 दिन का होता है। ओके बेटा, तो मोर टाइम, इसमें तो मोर टाइम टेकन है ये क्रिकेट देखना। ओके, टू राइट ए नॉवल, नेक्स्ट सी नंबर नहीं दिया है, नंबरिंग करने टू राइट ए नॉवल, मोर टाइम लेस टाइम। नॉवेल जानते हैं बेटा, नॉवेल एक होता है उपन्यास, मोटी किताब होती है, उसको लिखने में ज्यादा समय लगता है, मोर टाइम लगेगा, लेस टाइम में नॉवेल नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए ये मोर टाइम होगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ सन लाइट इन अ डे, देख लीजिए आप ड्यूरेशन ऑफ सन लाइट इन अ डे, जो ड्यूरेशन है
अब ड्यूरेशन हमने बताया है, जो ड्यूरेशन है सूर्य के प्रकाश का दिन में मोर टाइम लेता है, 12 आवर लेता है। ठंडी का दिन चल रहा है तो मैक्सिमम 10 आवर तो लेगा ही लेगा। टू टेक ए पिक्चर, पिक्चर लेने में फोटोग्राफिक मान लीजिए मोबाइल से पिक्चर ले रहे हैं या किसी भी कैमरे से पिक्चर ले रहे हैं तो कितना समय लगता है? बहुत छोटा, थोड़ा समय लगता है। ओके, टू टोस्ट ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, टोस्ट करना एक ब्रेड को टोस्ट करने में कितना समय लगेगा? बहुत लेस समय लगेगा, बहुत कम समय लगेगा, इसलिए लेस टाइम। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट इन डे उसमें मोर टाइम हो जाएगा, टू टेक ए पिक्चर इसमें लेस टाइम, और टू टोस्ट ए स्लाइस ऑफ ब्रेड इसमें लेस टाइम। ओके बेटा, नेक्स्ट है माई टर्न टू ड्रा द मिनट हैंड इन ग्रीन एंड आवर हैंड इन रेड इन द फॉलोइंग क्लॉक्स एज फॉर द टाइम गिवन। टाइम गिवन दिया बेटा 5 o'clock, एक मैं बनाऊंगा बाकी आपको बनाना होगा। चलिए करा ड्रा द मिनट हैंड इन ग्रीन, जो मिनट हैंड बनाना है बेटा वो ग्रीन कलर में बनाना है, ग्रीन कलर से बनाना है, और जो आवर हैंड है उसको रेड, कौन सा कलर है ग्रीन, आवर हैंड ग्रीन एंड आवर हैंड इन रेड, आवर हैंड रेड कलर है। ठीक है, तो यहाँ 12 1 2 3, यहाँ 2, यहाँ 3, अच्छे से थोड़ा बना दें, थोड़ा और 1 2 3 4 5 6 7, हम बताया है कि 9 10 11 9 के सामने 3, 12 के सामने 6, जस्ट इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब टाइम क्या शो करना है हमें, टाइम शो करना 5 o'clock, टाइम शो क्या करना है 5 o'clock। ओके बेटा, तो 5 आप जानते हैं 5 o'clock, तो जो आवर हैंड है इसको रेड कलर में करिएगा, छोटा ही बनता है ये, छोटा ही आवर हैंड छोटा होता है और मिनट हैंड थोड़ा बड़ा होता है, तो मिनट हैंड को बड़ा कर दीजिए, ये 5 o'clock। ओके, तो इसको कलर कलर करिएगा, इसको रेड करिएगा, इसको रेड कलर में, इसको ग्रीन, ग्रीन पेंसिल का यूज करिएगा, इसको रेड पेंसिल का यूज करिएगा। ओके बेटा, और सभी टाइम को मेंशन करिएगा। ओके, इसमें टाइम मेंशन करके हमें सेंड करिएगा आप लोग। माय टर्न 3 देखते हैं बेटा, माय टर्न 3, चलिए माय टर्न 3, माय टर्न 3 करा सपना वेंट टू वॉच ए मूवी, सपना सपना went to watch a movie at 3 o'clock. Sapna went to watch a movie at 3 o'clock. 3 o'clock. Which finished at 6 o'clock. Which finished at 6 o'clock. Okay?
सिक्स ओ क्लॉक सी ड्रिव द फॉलोइंग क्लॉक टू शो द टाइम सी ड्रिव द सी ड्रिव द फॉलोइंग टाइम फॉलोइंग She drew the following clock to show the time. To show the time. इसमें क्या अंतर हो रहा है? सपना मूवी देखने जाती है. सपना went to watch. गई. सपना went to watch a movie at 3 o'clock. वो मूवी देखने गई है. 3 o'clock पे. Which finished at 6 o'clock. जो खत्म होगा कितने बजे? 6 o'clock पे. स्टार्ट कितना होगा? स्टार्ट कितने बजे होगा? 3 o'clock पे. और खत्म कितने होगा? कितने बजे होगा? 6 o'clock पे खत्म होगा मूवी. और उसने सी ड्रू द फॉलोइंग क्लॉक्स टू शो द टाइम. उसने टाइम सेट किया क्लॉक में स्टार्ट टाइम. अब उसने टाइम क्या सेट किया है? देखिए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. अब बेटा उसने टाइम क्या सेट किया है? ये 9 o'clock. इसमें 9 o'clock स्टार्ट टाइम. स्टार्ट टाइम ठीक है. और एंड टाइम एंड टाइम उसने क्या किया है? 3 o'clock. ये एंड टाइम है. एंड टाइम ठीक है बेटा. इसने सपना ने टाइम सेट किया 9 o'clock और 3 o'clock. क्या यह सही है? नहीं, ये रॉन्ग है. कह रहा है कि डिड सी ड्रॉ इट करेक्टली. क्या उसने यह सही ड्रॉ किया है? इफ नॉट, यदि नहीं, देन ड्रा द क्लॉक अगेन शो द करेक्ट टाइम. फिर से हमें इसको शो करना होगा, दोबारा ड्रॉ करना होगा, बताना होगा कि सही समय क्या है. तो ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है. तो सही समय क्या होगा? स्टार्ट टाइम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं. स्टार्ट टाइम 3 o'clock से होगा. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. अब यहाँ पे ये मिनट हैंड है बेटा, और ये आवर हैंड है ठीक है. थोड़ा सा नीचे आ जाइए. ये आवर हैंड है. तो यहाँ स्टार्ट कितने बजे होता है? 3 o'clock पे ठीक है. तो ये हम ड्रॉ कर रहे हैं. अब एंड कितने बजे होगा? यहाँ ड्रॉ कर देते हैं ठीक है. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ठीक है. तो 6 o'clock पे तो ये जो है आवर हैंड है. ये जो है आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है. थोड़ा बड़ा है ठीक है बेटा, छोटा बना लेते हैं इसको. तो ये हमारा एंडिंग टाइम है. ये जो है ये हमारा स्टार्टिंग टाइम है. ये एंडिंग टाइम है ठीक है. तो ये हमारा सही क्लॉक होगा ओके. तो आप यूज कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, ट्राई करिएगा. ड्यूरेशन टाइम, ड्यूरेशन और टाइम लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 में. इसको कल बताएंगे. थैंक यू.